स्टूडेंट्स हम बात करेंगे कि सॉल्वे प्रोसेस के थ्रू सोडियम कार्बोनेट इंडस्ट्रियल लेवल पे कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है। ये एक मॉडर्न मेथड है हमारे पास, जो हमारे पास आया 1861 में। ठीक है, ये मेथड जो है वो इन्वेंट किया गया ताकि सोडियम कार्बोनेट इंडस्ट्रियल लेवल पे प्रिपेयर किया जा सके। और अब जो है वो हम देखते हैं कि मेनली इसी प्रोसीजर के थ्रू, इसी प्रोसेस के थ्रू जो है वो सोडियम कार्बोनेट वर्ल्ड वाइड प्रिपेयर किया जाता है इंडस्ट्रियल लेवल पे। ठीक है, हम देखते हैं कि क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। इसके लिए हम जो है वो एक डायग्रामेटिक व्यू जो है वो सामने रखेंगे, जिसमें हमारे पास सारा का सारा प्रोसीजर सामने होगा। ठीक है, कि इंडस्ट्रीज में किस किस प्रोसीजर के थ्रू जो है ये सब कुछ चल रहा होता है। ठीक है, क्या कुछ मतलब किस तरह से हमारे पास जो है वो सोडियम कार्बोनेट फाइनली बनता है। हम ये भी देख लेते हैं कि सोडियम कार्बोनेट हमारे पास होता क्या है। सोडियम कार्बोनेट हमारे पास होता है Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, Na सोडियम, C कार्बन, O ऑक्सीजन, CO3 कार्बोनेट होता है। ठीक है, और Na सोडियम सोडियम कार्बोनेट होता है। ठीक है, और इसके अलावा हम इसको जो है वो सोडा ऐश भी कहते हैं। सोडा ऐश, AsH, यहाँ पे हम लिख देते हैं AsH ऐश। ठीक है, सोडा ऐश भी कहते हैं। हम देखते हैं कि ये रॉ मटेरियल्स क्या यूज होते हैं, या फीड स्टॉक, या ऐसे मटेरियल्स जिनके जिनसे हम देखते हैं कि उनसे मिलके प्रोडक्ट फाइनल हमारे पास आ जाती है। तो हमारे पास फीड स्टॉक या रॉ मटेरियल्स क्या यूज होता है, यहाँ पे फीड स्टॉक हम देख लेते हैं। फीड स्टॉक में हमारे पास जो सबसे पहली चीज होती है वो होती है सोडियम क्लोराइड का स्ट्रॉन्ग सा सोल्यूशन या कंसंट्रेटेड सोल्यूशन होता है, या हम कहते हैं SOLN में सोल्यूशन के लिए लिख रही हूँ। ठीक है, यानी कि हम कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग सोडियम क्लोराइड का, या सेचुरेटेड सोल्यूशन, यानी इतना सोडियम क्लोराइड वाटर में डिजोल्व होता है कि मजीद अगर डिजोल्व करने की कोशिश की जाए तो वो मजीद की गुंजाइश नहीं होती। ठीक है, यानी कि और ऐसे सोल्यूशन को हम कहते हैं सॉल्ट ब्राइन या सिर्फ ब्राइन कहते हैं। ठीक है, ये ब्राइन कहलाता है। सोडियम क्लोराइड हम देखते हैं कि इजिली अवेलेबल होता है, हम घर में भी नमक इस्तेमाल करते हैं वो भी सोडियम क्लोराइड होता है। तो सोडियम क्लोराइड एक इनएक्सपेंसिव, एक चीप और इजीली अवेलेबल हमारे पास जो है वो रॉ मटेरियल आ गया। ठीक है, एक और रॉ मटेरियल जो यहाँ पे यूज होता है वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट यूज करते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट को हम लाइमस्टोन कहते हैं आम लफ्जों में। ठीक है, और इसको उर्दू में चूने का पत्थर भी कहा जाता है। चूने का पत्थर क्या होता है, ये भी इजिली अवेलेबल होता है। ठीक है, इनएक्सपेंसिव है, यानी कि चीप होता है, कॉस्टली नहीं होता। इसके अलावा हम देखते हैं कि एक और चीज जो यहाँ यूज होती है वो अमोनिया है। अमोनिया यूज होती है। ठीक है, अब अमोनिया जो है वो हम कहते हैं समवॉट जो है वो एक्सपेंसिव होती है। अमोनिया एक एक्सपेंसिव होती है, मार्केट से जो है वो जब बाय करते हैं तो ये एक्सपेंसिव होती है। ठीक है, महंगी होती है, लेकिन हम यहाँ पे क्या करते हैं, सॉल्वे प्रोसेस का प्लस पॉइंट होता है कि अमोनिया को हम, क्योंकि ये एक्सपेंसिव है, इसको हम जो है वो रिकवर कर लेते हैं। जिस तरह अगर हम ये डायग्राम देखें तो इसमें हम देख रहे हैं कि अमोनिया रिकवरी टावर बना हुआ है और इसमें हम जो है वो अमोनिया को रिकवर कर लेंगे। ठीक है, यानी अमोनिया हमारे पास दोबारा हासिल हो जाएगी। ठीक है, अब हम स्टेप्स स्टार्ट करते हैं कि स्टेप्स क्या इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर। डिफरेंट साथ साथ केमिकल रिएक्शंस भी देखेंगे हम। इसमें हम डायग्राम में देखते हैं कि ये हमने ब्राइन ले लिया, यहाँ से ये ब्राइन लेके हमने यहाँ पे जो है वो एंटर करवाया। ये अमोनिया एब्जॉर्बर जो है इसको हम सेचुरेटर भी कहते हैं। ठीक है, ये सेचुरेटर कहलाता है। सेचुरेटर में जो है क्या होती है, अमोनिया गैस मौजूद होती है। ठीक है, यहाँ पर क्या मौजूद होगी, अमोनिया गैस, और हमारे पास क्या होगा, ब्राइन। हमने यहाँ पे ब्राइन जो है वो एंटर करवा दिया। ठीक है, ब्राइन एंटर करवाएंगे तो हम कहते हैं कि ये जो ब्राइन है ये सोडियम, हमने कहा सोडियम क्लोराइड ब्राइन है। ठीक है, और वाटर इसमें शामिल हुआ है तो ये मिलके ब्राइन बन गया। फिर क्या है, इसके अंदर जो है वो अमोनिया आ गई। अब हमारे पास जो है वो एक चीज बन जाती है जिसको हम कहते हैं अमोनिकल ब्राइन। ठीक है, इसको हम कहते हैं अमोनिकल ब्राइन, इसलिए क्योंकि ब्राइन के अंदर हमने जो है, ब्राइन ने जो है वो जितनी ये एब्जॉर्ब कर सकता था, इसने जो है वो अमोनिया जो है वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ली। ठीक है, इसलिए इसको अमोनिकल ब्राइन कहते हैं, यानी सेचुरेट हो गया पूरा ये अमोनिया से। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि हम क्या करते हैं कि अब हम यहाँ पे लाइम किल्न देख रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास है लाइम किल्न। ठीक है, इस लाइम किल्न में हम क्या करेंगे, जो ये हमारे पास लाइमस्टोन है इसकी जो है वो डिकम्पोजिशन कर देंगे, इसको डिकम्पोज करेंगे। ठीक है, हाई टेम्परेचर पे। लाइम किल्न का, किल्न क्या होती है, भट्टी होती है। तो हम भट्टी में जो है वो हाई टेम्परेचर पे जो है वो क्या करेंगे, डिकम्पोज कर देंगे कैल्शियम कार्बोनेट को। और ये हमने डिकम्पोज किया कैल्शियम कार्बोनेट को, तो हम देख रहे हैं लाइम किल्न में लाइमस्टोन को डिकम्पोज करने से हमारे पास क्या चीज आ रही है, कैल्शियम ऑक्साइड आ रहा है। ठीक है, इस हमारे पास सॉलिड फॉर्म में लाइमस्टोन मौजूद था। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड आया हमारे पास, और क्या चीज बनी है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी। ठीक है, अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये हम देख रहे हैं यहां से, ये जो है ये यहाँ से जो है होती हुई इधर से हम जो है वो डक्ट के थ्रू कहाँ चली जाती है, इस बड़े से टावर में आ गई। ये बहुत बड़ा सा टावर है हमारे पास, इसको हम कहते हैं कार्बोनेशन टावर। ठीक है, इस कार्बोनेशन टावर में आ गई है, और हम देख रहे हैं कि जो हमारे पास अमोनिकल ब्राइन है ये भी यहाँ से फिल्टर होके क्या करती है, डक्ट के थ्रू जो है वो इस कार्बोनेशन टावर में ऊपर से आती है। ठीक है,
क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में हम इसको ऊपर से लेकर आएंगे और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है हम इसको नीचे से इंट्रोड्यूस करवाते हैं, ठीक है। क्या होगा हम देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस नीचे से ऊपर उठती है क्योंकि ये गैशियस फॉर्म में है, ठीक है, और हम देखते हैं कि जो अमोनिकल ब्राइन है वो ऊपर से जो है वो नीचे की तरफ आती है क्योंकि ये सोल्यूशन फॉर्म में, ठीक है। बीच में इनका रिएक्शन होगा, काउंटर रिएक्शन होगा, एक चीज ऊपर से आ रही है एक चीज नीचे से आ रही है, ठीक है। हम देखते हैं कि हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास जो है वो रिएक्शन होता है। रिएक्शन क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस अमोनिया और वाटर का सबसे पहले रिएक्शन होता है, ठीक है। ये हम देख लेते हैं, ये हमारे पास आ गई कार्बन डाइऑक्साइड गैस अमोनिया और वाटर, ठीक है। अब इसका रिएक्शन होता है तो रिएक्शन के नतीजे में क्या चीज बनती है, हम ये देखते हैं हमारे पास यहाँ पे बन जाती है अमोनियम का हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाता है, ठीक है। अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन गया, ये लिक्विड फॉर्म में थी और ये गैशियस फॉर्म में थी, ठीक है। ये यहाँ पे भी, ये भी गैशियस फॉर्म में थी। हम देख रहे हैं कि इसका जो है अमोनियम का जो है वो बाइकार्बोनेट बन गया, अमोनियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, ये हमारे पास बनता है। अब ऊपर हमने जो कैल्शियम कार्बोनेट का जो है रिएक्शन करवाया तो हम इसके में भी देख लेते हैं कि यहाँ पे टेम्परेचर हमने कहा बहुत हाई होता है, तो कितना टेम्परेचर ऑलमोस्ट होता है, ऑलमोस्ट 1100 से लेके 1100 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पे टेम्परेचर होता है, ठीक है। डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम यूनिट इस्तेमाल करते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे पास अमोनियम कार्बोनेट बन गई है, ठीक है, यहाँ पे अमोनिकल ब्राइन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का रिएक्शन हुआ। फिर हम देखते हैं अमोनिकल ब्राइन में से ब्राइन का सोल्यूशन अभी भी मौजूद है, ठीक है, तो क्या होता है कि जो अब जो रिएक्शन होगा इस अमोनियम बाइकार्बोनेट का रिएक्शन होगा किस चीज के साथ, सोडियम क्लोराइड के साथ, ठीक है। ये हमारे पास आ गया सोडियम क्लोराइड, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सोडियम क्लोराइड, ये आ गया हमारे पास। और इसका जब रिएक्शन होगा तो इसके रिएक्शन के नतीजे में क्या चीज बनती है हम देख लेते हैं। इसका इसका जो रिएक्शन होगा इसमें हमारे पास जो है वो सोडियम बाइकार्बोनेट के प्रेसिपिटेट्स आ जाते हैं, ठीक है। ये एक डिस्प्लेस हमारे पास ये एक हो रहा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। इसमें क्या हुआ है, अमोनियम ने क्लोराइड ले लिया सोडियम का और सोडियम ने बाइकार्बोनेट ले लिया अमोनियम का, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या बन रहा है, अमोनियम क्लोराइड बन गया, ठीक है, ये एक सोल्यूशन आ गया। क्योंकि सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो इजीली जो है वो सॉलेबल नहीं होता वाटर में, सॉलेबल होता है लेकिन टू सम एक्सटेंट होता है, ठीक है। और हम कंडीशंस यहाँ पे क्या दे रहे हैं कि बिलो 15 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर दे रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास रिएक्शन जो होता है उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट हमारे पास सॉलिड फॉर्म में आ गया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास मजीद क्या रिएक्शन होता है। हम देख रहे हैं कि जो हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट बना है इसको अब हम हीट कर लेते हैं, ठीक है, इसको हीट करते हैं तो क्या होता है, हम ये देख लेते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट को हमने जो ये सॉलिड फॉर्म में मौजूद है इसको हमने क्या किया, हीट किया। हीट के लिए हम ट्राइंगल का सिंबल लगाते हैं, ठीक है, और हमारे पास क्या चीज बनेगी, हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगी जो हमें जरूरत है जिसकी, सोडियम कार्बोनेट, और क्या चीज बनती है, और वाटर बन जाता है, और क्या चीज बनती है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाती है, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है, ये गैस फॉर्म में आ गई। ये हमारे पास जो है वो रिएक्शन होता है और फाइनली जो प्रोडक्ट हमें चाहिए थी वो हमारे पास बन गई, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास सोडियम का जो है वो सोडियम का कार्बोनेट हमारे पास आ गया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हम क्या करेंगे, हम अमोनिया को रिकवर करेंगे, ठीक है, अमोनिया को रिकवर करते हैं। अमोनिया को रिकवर करने के लिए हम क्या चीजें यूज करेंगे, हम यूज करेंगे यहाँ पे जो हमने कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन की थी उसमें कैल्शियम ऑक्साइड बना था, ठीक है। ये जो कैल्शियम ऑक्साइड बना था हम देखते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड जो है इसको जो है वो हम वाटर के अंदर डिजोल्व कर लेते हैं, ठीक है, वाटर के अंदर डिजोल्व कर लेते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड था हमारे पास सॉलिड फॉर्म में, इसको क्या कर रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं, हम इसको जो है वो वाटर में डिजोल्व कर लेते हैं। वाटर में डिजोल्व करते हैं, वाटर से रिएक्शन होता है, क्या चीज बन जाएगी हमारे पास, कैल्शियम का हाइड्रो ऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है, जिसको हम स्लेक्ड लाइम कहते हैं। ये कैल्शियम ऑक्साइड बर्न्ड लाइम था कि इसके अंदर जो है वो वाटर नहीं था, वाटर इंट्रोड्यूस करवा दिया, अब इसकी प्यास बुझ गई, ठीक है, तो इसलिए स्लेक्ड लाइम या बुझा हुआ चूना कहते हैं, ठीक है। अभी जो बुझा हुआ चूना या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेक्ड लाइम जो हमारे पास आए, अब हम क्या करते हैं कि अमोनियम क्लोराइड जो मौजूद है ये हमारे पास, इसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या स्लेक्ड लाइम के साथ इसका रिएक्शन करवा देते हैं, ठीक है। इसका रिएक्शन होगा तो हम देखते हैं कि क्या इसका जो है वो हमारे पास जो है वो रिजल्ट आएगा या प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनेगी। ये एक्वस फॉर्म में आ गया, ठीक है। फिर हमारे पास क्या चीज है, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, ये हमारे पास आ गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका रिएक्शन होगा, ठीक है, और हमारे पास क्या चीज बन जाती है, हम देखते हैं हमारे पास जो है वो अमोनिया रिकवर हो गई। फाइनली हमने कहा था इस प्रोसेस में हमारे पास अमोनिया रिकवर होती है, ये अमोनिया गैस हमारे पास रिकवर हो गई। और क्या चीज बनती है, और हमारे पास बनता है कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, इसका जो है वो सोल्यूशन फॉर्म में आ जाता है, और साथ में क्या बनता है, और हमारे पास वाटर बन जाता है, ठीक है, ये हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट्स आ जाती हैं। इसमें से कैल्शियम क्लोराइड जो है ये हम देखते हैं कि ये हमारे पास जो है वो
वेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है, इसको हम कहते हैं कि ये क्या है, ये वेस्ट प्रोडक्ट है, जबकि अमोनिया जो है वो हम कह रहे हैं कि ये रिकवर हो गई है, ठीक है, ये हमारे पास अमोनिया क्या हुई, रिकवर हो गई, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हम देख लेते हैं कि ये एक्वस फॉर्म में ही मौजूद था, ठीक है, ये हमारे पास जो है वो रिएक्शन होता है, अमोनिया गैस फाइनली रिकवर हो गई है, क्या सोडियम कार्बोनेट हमने बना लिया है, ठीक है, और ये जो प्रोसेस है ये क्या कहलाता है, ये सॉल्वे प्रोसेस कहलाता है, जिसके तहत हमने क्या बनाया, सोडियम कार्बोनेट फाइनली प्रिपेयर किया इंडस्ट्रियल लेवल पे।